The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap dosto? So, main hoon Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, aaj hum baat karenge kis prakar aapke body pe स्ट्रेस जो है वो इफ़ेक्ट करता है, स्ट्रेस आपकी बॉडी को कैसे इफ़ेक्ट करता है, आज हम ये बात करेंगे. और साथ ही बात करेंगे कि स्ट्रेस से आप उस चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं. तो सबसे पहले स्ट्रेस एक तरीके से आपके बॉडी को एक थ्रेट के जैसा आपकी बॉडी उसको लेती है. इन सिंपल ऐसे कि अगर कोई बच्चा रो रहा है वो आपको स्ट्रेस हो सकता है उसके वजह से. अगर आप एक्चुअली में किसी खतरे में हैं, आप किसी कार क्रैश में हैं, कोई चोरी हो रही है, या इवन किसी की शादी है, तो वो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बन सकता है. कोई डेडलाइन है वो स्ट्रेसफुल, काम का स्ट्रेस, लाइफ का स्ट्रेस, बहुत कुछ हो सकता है. स्ट्रेस एक पार्ट ऑफ लाइफ है, फैक्ट है कि वो सभी पे आएगा, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस. सो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर स्ट्रेस हो जाए तो आपके लिए ख़राब हो सकता है, आपके शरीर के लिए, आपके हार्ट के लिए, ख़ासकर अगर आपको उसे मैनेज करना ना आए. सो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है स्ट्रेस को, उसे समझ लेने से आपको मदद मिलेगी ताकि आप मैनेज कर पाएँ और बेहतर समझ पाएँ कि वो स्ट्रेस आपके लिए हेल्दी है या नहीं, जितना भी आप ले रहे हैं. सो बॉडी कैसे फर्स्ट लेवल पे वो स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज करती है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी ब्रीदिंग, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट रेट, सबको वो फास्ट करते हैं. कैटाकोलामीन्स होते हैं, ठीक है, कॉर्टिसोल, एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, जिससे सलमान खान को किक मिलती है, उससे आपको रोज़ाना स्ट्रेस में किक मिलती है. अल्टीमेटली इससे आपके गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर में चला जाता है कि अगर कहीं कोई बॉडी को लगता है कोई इमीडिएट थ्रेट है, कोई डेंजर है, तो मुझे भागना पड़े, बचना पड़े, अटैक करना पड़े, तो इसलिए सब कुछ हाई रेट पे चलने लगता है. प्रॉब्लम है कि ये थोड़े देर के लिए तो इट्स फाइन, राइट, लेकिन इसी प्रकार की सिचुएशन अगर हर छोटे बड़े स्ट्रेस में होने लग जाए, जब आप डेंजर में नहीं भी हो तब भी होने लग जाए, तो ये लॉन्ग टर्म पे रहने से आपकी बॉडी पे, आपके हार्ट पे जो साइड इफेक्ट कर सकता है ओवर टाइम, इसके वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. सो इसके वजह से सबसे कॉमन इश्यूज क्या आते हैं, स्टमक अपसेट हो जाना, पेट खराब होना, फोकस करने में प्रॉब्लम होना, नींद की प्रॉब्लम होना, सर में दर्द होना, एंजाइटी होना, मूड स्विंग्स होना, ये सबसे कॉमन, सबसे पहले और ऑलमोस्ट सभी को ऐसी चीज़ें आज नहीं तो कल होती ही है. उसके लंबे चलते हुए क्या हो जाता है, अगर इसको आप मैनेज नहीं करते, अगर लंबे समय तक आप स्ट्रेस्ड हैं और उसके ऊपर आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मान लो आप कहीं स्मोकिंग कर रहे हो, आप ड्रिंकिंग करते हो, आप बाहर का बहुत सॉल्टी शुगरी फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, तो इन सब से चलते बहुत आसानी से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत आसानी से आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आसानी से बढ़ जाएंगे, और इसके वजह से आपकी हार्ट की रिदम में प्रॉब्लम भी आ सकती है, हार्ट की रिदम में प्रॉब्लम आने के रिस्क बढ़ जाते हैं. सो ये बात के लिए आपको ये समझना है कि स्ट्रेस भी आपके लिए डेंजरस है, और किस किस प्रकार के स्ट्रेस हैं उस पर भी डेंजरस हो सकता है, बिकॉज कुछ प्रकार के स्ट्रेस, जिस प्रकार जैसे एक्सरसाइज अपने आप में एक स्ट्रेस होता है, वो आपके हार्ट के लिए हेल्दी है, बिकॉज वो आपके कंट्रोल में है कितना करना कितना नहीं, है ना. वैसी कुछ स्ट्रेस आप जैसे चिंता है, कोई टेंशन है, शादी का टेंशन है, इसका टेंशन, उसका, दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस आर बैड स्ट्रेस, वो है क्रोनिक स्ट्रेस. वो क्रोनिक स्ट्रेस डेली बेसिस पे आपको है कि ये करना है, वो करना है, कुछ बनना है, कुछ बनना है, वो बहुत स्ट्रेस अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, या हेल्पलेसनेस जैसी सिचुएशन आ रही है, थोड़ा बहुत डिप्रेशन जैसा आ रहा है, तो दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू, राइट. लोनलीनेस जैसी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कई बार, अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड सर्कल है, सपोर्ट ग्रुप अच्छा ना हो तो. सो एंगर, गुस्सा, कई लोग गुस्से में चले जाते हैं, गुस्सा आना जल्दी आ जाता है, स्ट्रेस से उनकी जो थ्रेशोल्ड होता है गुस्से का वो कम हो जाता है, और कुछ एक्यूट स्ट्रेसेस वाले कंडीशंस तो होते ही होते हैं, कभी कोई ऐसा एपिसोड हो जाता है जिससे आपका गुस्सा या आपका स्ट्रेस जो है उसका आउटबर्स्ट निकल के आ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन, एक्यूट स्ट्रेस वाले सिचुएशन में कई बार हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं वैसे सिम्टम्स आ सकते हैं. सिम्टम मतलब छाती में दर्द होना, घबराहट होना, ये इवन बेहोश हो जाने वाले काम हो सकता है, उस समय हार्ट की बीमारी ना भी हो और हो सकता है हो भी, इसलिए फिर भी टेस्ट करने ज़रूरी होते हैं. सो हार्ट की बीमारी अगर आपको है तो वो अपने आप में एक बड़ा स्ट्रेस है ना.
तो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि भाई मेरे को हार्ट अटैक हो चुका है, मेरी हार्ट की हालत ऐसी है, मेरे बच्चे हैं, मैं जीऊँगा नहीं तो क्या होगा, कैसे होगा। सो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। तब भी आपको अपने लाइफ को सही रखना, लाइफ स्टाइल को सही रखना ज़रूरी होता है। और अगर आपको हार्ट की बीमारी नहीं भी है तो स्ट्रेस अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, जैसे शुगर है, बीपी है, स्मोकिंग है, वैसे स्ट्रेस और अच्छी नींद नहीं लेना और डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें जो है हार्ट की बीमारी का रिस्क जो है बढ़ा देते हैं। तो इसको जरूर ध्यान में रखें कि भाई आप डिप्रेशन या इस प्रकार के स्ट्रेस में ना हो। तो करें क्या, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, आपको हेल्दी वेज फाइंड करने होंगे, बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका दिमाग और ब्रेन और दिल सही से रहे। आप अनहेल्दी बिहेवियर्स अपने बंद करिए, बाहर का खाना हो गया, जंक फूड हो गया, ओवर ईटिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, रात को बैठ बैठ के नेटफ्लिक्स टीवियाँ वीडियो फ़ोन देखते रहना, अननेसेसरी चीज़ें करते रहना, एक्सरसाइज नहीं करनी, सारा दिन लेटे रहना डिप्रेशन में या जैसे भी। सो अनहेल्दी लाइफस्टाइल को पहले बंद करिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। थोड़ा बहुत आपको योगा करना पड़ेगा, योगा 10 मिनट से शुरू करिए, आधा घंटा तक लेके जाइए, आउटडोर्स नेचर में थोड़ा घूमिए, थोड़ा रेगुलर एक्सरसाइज करिए, क्वाइटली एक जगह बैठ के ब्रीदिंग करने से भी बहुत फ़ायदा मिलता है, अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए और मूवी वूवी देख के आइए और हर नो टाइम लो, अपने बॉडी को, अपने शरीर को टाइम दो, ताकि आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस से रिलैक्स हो पाए, रिकवर हो पाए। और अगर आप नहीं खुद से कर पा रहे देन टॉक टू अ डॉक्टर। तो डॉक्टर आपको हेल्प कराएगा, आपको कई दवाइयों से टेस्ट करके असेस करेगा आपकी बॉडी की सिचुएशन कैसी है और फिर वो अपने तरफ से आपको एडवाइस देगा कि आपको ये करना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ याद रख लेंगे अगर, तो स्ट्रेस से होने वाली दिल की बीमारियां या बीपी बढ़ना या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आप बच जाएंगे। तो स्ट्रेस दिमाग में है, वो दिल पे ना चढ़ जाए, उसका ध्यान रखिए। इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मुझसे बात करनी हो तो ये नंबर पे व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।